नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपके सामने खुसरो बाग का गेट है और ये गेट सब्जी मंडी की तरफ या पीछे की तरफ बोल सकते हैं, या ये मोती मस्जिद है इसके पास वाला गेट है और इधर ये सामने सब्जी मंडी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे खुसरो बाग को अंदर से, बने रहे पूरे वीडियो में और इस पूरे वीडियो को मेरे साथ एंजॉय करें। खुसरो बाग इलाहाबाद का एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक जगह और ये यहाँ इस मार्ग के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। ये आप तब तक गेट देख लीजिए, भव्य बड़ा गेट, और ये यहाँ इस मार्ग के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी चीज़ें दी गई हैं। आइए अंदर चलते हैं और इस बाग को एक्सप्लोर करते हैं। गेट बहुत ही छोटा नीचा रखा गया है, इसके भी कोई रीज़न होगा, नीचे होके निकलना पड़ेगा हमें। ये देखिए लोग निकल रहे हैं, इस तरह से हमें भी निकलना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है नीचे होके निकलना। ये हमने एंट्री कर ली है, ये गेट था और ये यहाँ का गेट के अंदर आने के बाद का व्यू। ये गेट से अंदर आने के बाद में यहाँ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वैधानिक चेतावनी, कूड़ा करकट वगैरह नहीं करना है, और ये यहाँ इस बोर्ड पे भी लिखा गया है, और ये कूड़ादान भी पत्थर का एक बनाया गया है, कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और यहाँ ये इसका मैप दिया गया है, आप देखें तो यू आर हेयर, आप यहाँ हैं इस गेट के साउथ गेट के पास में, और ये पूरा इसका मैप के प्लान। तंबोप शाह बेगम, तंबोप निसार बेगम, तंबोप सुल्तान खुसरो और तंबोलान बीबी तमलान, ये पूरा इसमें दिया गया है। इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। आइए यहाँ से हम देखें तो आप देखें ये व्यू, हरियाली चारों तरफ, बड़े बड़े पेड़, और ये एक पेड़ सबसे ऊपर काफ़ी लंबा, और ये यहाँ का पूरा व्यू है। और ये देखिए सीढ़ियाँ, ये यहाँ पर आपको बैठने के लिए बना रखी है, और ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ इसी खुसरो बाग के अंदर अमरूद की खेती भी हो रही है, 50 पौधे यहाँ लगाए गए हैं, ये देखिए आप। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ आम की खेती भी होती है खुसरो बाग में, ये नर्सर्स दे रखी है, दशहरी की खेती भी यहाँ पर हो रही है, काफी बड़ा ये बाग है। आइए और आगे चलते हैं। अंदर जो मकबरा है, शाह बेगम का मकबरा, ये उसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है निसार बेगम का मकबरा, खुसरो की बहन थी निसार बेगम, उनका मकबरा ही। और ये यहाँ खुसरो का मकबरा है,
1587 से 1622 जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा खुसरो। ये इसके बारे में है, ये यहाँ का व्यू है, और इधर और भी लिखा हुआ है, कुछ आपको दिखा देता हूँ। बीबी तमोलन का मकबरा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, शाह बेगम का इंग्लिश में, निसार बेगम का इंग्लिश में, और ये खुसरो का इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो हिंदी में हमने देखा है उसी का इंग्लिश में। और ये आवश्यक सूचना याद रखिए, स्मारक खोलने का टाइम, और ये पूरी चीज़ें यहाँ दे रखी है, आप पढ़ लीजिए। ये सरकार ने यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे, सूर्योदय से सूर्योस्त तक, दिन निकलने से लेके दिन ढलने तक ये खुला रहता है। और ये हम अंदर अभी आ गए हैं, तो ये अंदर का पहला व्यू है, और ये गेट बंद है, और इस गेट से हमें एंट्री करना होता है, और ये इधर से आने का रास्ता। और ये अभी हम आ गए हैं बीबी तमोलन के मकबरे पे, ये है बीबी तमोलन का मकबरा। ये आप देखें तो काफी बड़ा ये बनाया गया है मकबरा, और ये इसके बाहर का व्यू है। ये हम दूसरी तरफ आ गए इसी मकबरे के, बीबी तमोलन के मकबरे के दूसरी तरफ, तो ये इस तरह का पूरा व्यू है। आइए दूसरा मकबरा देखते हैं, आगे चलते हैं। और ये अभी हम आ गए हैं शाह बेगम का मकबरा, मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी, और ये पहली पत्नी है मान बाई जहांगीर की, तो ये खुसरो की मम्मी थी, ये उनका मकबरा है, काफी बड़ा बनाया गया है इसको। ये हमने इधर देखा था, ये मकबरा खुसरो की बहन का, और ये यहाँ खुसरो की मम्मी का, जहांगीर की पहली वाइफ का मकबरा। आइए अगला देखते हैं, और ये है निसार बेगम का मकबरा, निसार बेगम की खुसरो की बहन। और ये मकबरा है, और ये पूरा मकबरे का व्यू आप देखें। और इधर हमने ये देखा खुसरो की मम्मी का, और उसके आगे खुसरो की बहन, दूसरी बहन का, और ये भी खुसरो की बहन का मकबरा। आइए अगला देखते हैं खुसरो का मकबरा, और ये अभी हम आ गए हैं खुसरो के मकबरे पे, 1587 से 1622 तक वो रहे, और जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं व्यक्तित्व निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। तो ये खुसरो का मकबरा है, काफी बड़ा ये मकबरा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें,
जय हिंद, जय भारत।